आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिनभर की प्रमुख खबरों की तरफ। ग्वालियर में आयोजित संभाग स्तरीय मुख्यमंत्री कप प्रतियोगिता में आरोन जहिंद मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर की बालिकाओं एवं बालकों ने लगाए मेडल, जिसमें कराते में मान्या शर्मा ने सिल्वर मेडल जीता। रिया मराठा, शिवानी मराठा और सौरभ शर्मा ने कांस्य पदक जीते। वहीं कुश्ती में दिलीप कुशवाहा एवं सोनू कुशवाहा ने रजत पदक जीते। प्रशिक्षक जयदेव रावत एवं पवन शर्मा ने खुशी जताई है। जयहिंद मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर में बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निःशुल्क आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है। और उनसे हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। दिलीप बिल्डिकॉन के ड्राइवर को अज्ञात लोगों ने मारी गोली। बता दें कि नेशनल हाईवे क्रमांक 3 पर दिलीप बिल्डिकॉन का काम चल रहा है। में एक डंपर चालक चाय पीने के लिए एक छोटी होटल पर रुका। वहां पर अज्ञात 3 लोगों ने उसके पैर में गोली मारी और वहां से फरार हो गए। अभी तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। डंपर के ड्राइवर मोहन की माने तो वह इन अज्ञात लोगों को नहीं जानता और ना ही उसकी किसी से कोई रंजिश है। समस्या परे है कि यदि कोई रंजिश नहीं थी तो क्यों अज्ञात लोगों ने इस ड्राइवर के पैर में मारी गोली। इससे यह साफ जाहिर होता है कि अज्ञात हमलावर ड्राइवर को मारने के लिए नहीं बल्कि डराने के लिए गोली मारी है या फिर कोई बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है। हालांकि ड्राइवर को एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज जारी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं वाली बात है। हम वहाँ पे चाय पीने गए थे होटल पे। एक हमारे कैंप से थोड़े ऐसे 4 कदम होटल है हाईवे पे रोड पर, वहाँ चाय पीने गए थे। चाय पी रहे थे, वो पेपर पढ़ रहे, जब उस समय क्या है कुछ आवाज़ सी आई थी, तो आवाज़ सी हमने सोचा कि मतलब ये शीशा टूटा है। तो जब थोड़ी देर बाद क्या है हमारे पैर में जलन सी और ये खून सा टपका, तो हमने देखा तो पैर को पकड़ के खून को बंद किया। तो किसी लोगों ने गोली मारी है क्या? हाँ। तो जानते हो आप कौन थे? नहीं, अपन तो काम करते हैं दिलीप बिल्डकॉम कंपनी में। क्या कारण है गोली मारने का कोई पता है? जिले में एक दिलचस्प मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने पुलिस पर 500 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री से भी शिकायत की है। बता दें कि मकसूदनगढ़ के रहने वाले घनश्याम सेंधिया ने हाल ही में एक नई मोटरसाइकिल खरीदी है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से घनश्याम को अब तक गाड़ी का नंबर नहीं मिला। गाड़ी पर नंबर अंकित नहीं होने की वजह से पुलिस ने घनश्याम को चेकिंग के दौरान रोक लिया। घनश्याम का आरोप है कि उसने पुलिस को गाड़ी खरीदी के बिल बताए और कहा कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, इसकी वजह से कागजात भी नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया। वहीं घनश्याम ने गृह मंत्री को भेजे आवेदन में कहा है कि गाड़ी छोड़ने के एवज में उससे 500 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। रिश्वत नहीं देने पर पुलिस ने उसकी नई गाड़ी को जब्त कर लिया। घनश्याम ने इस बारे में सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की है। दोनों भाई आ रहे थे। कहाँ से? गांव से आ रहे थे जी। तो पुलिस वाले ने गाड़ी रोक के
गाड़ी रोक कर। कौन सी है गाड़ी रोकी? जो थाने के यहाँ पे मैंने कहा भीतर ले जाओ, मैंने कहा मैंने क्या गाड़ी का नंबर नहीं आया, नंबर चढ़ाने के लिए नंबर नहीं आए पहले मेरे पास, फिर भी आप भीतर ले जाओ। ठीक है, भीतर ले गया मैं और दोनों दरवाजे थे, उनको मैंने बिल बताया ये गाड़ी करने के बिल नहीं चलेंगे, कागज़ नहीं है मेरे पास, बिल है अभी शोरूम का कागज़ अभी मेरे पास आई नंबर, उनने कहा नहीं कि आप गाड़ी आप नहीं छूटेगी अभी रोक कर, उन्होंने 500 रुपये मुझसे रिश्वत मांगी, मैंने रिश्वत नहीं दी मेरे, और बाद एक घंटा में खड़ा रहा, उसके बाद में बना कागज गाड़ी मेरे। कौन ने मांगी रिश्वत आपसे? दरवाजी ने सामने बना कागज की गाड़ी रिश्वत लेकर छोड़ी मेरे सामने, 1500 रुपये दिए थी रिश्वत को, उन्होंने गाड़ी छोड़ दी, मेरे पास में हेलमेट भी था कागज बिल भी था, तो ही मेरी गाड़ी ने छोड़ी, 1500 रुपये रिश्वत की मांग करने लगी। तो फिर इस संबंध में आपने शिकायत की है इनकी? शिकायत की है। कहाँ पे की है? मैंने 181 पे शिकायत की और मैंने यहाँ भी शिकायत की है, मैंने गृह मंत्री के पास भी शिकायत की है। प्रधानमंत्री आवास के तहत बनने जा रहे मकानों के हितग्राहियों को नहीं मिल पाई दूसरी किस्त, जिसके चलते ठंड में बाहर सोने को मजबूर हैं हितग्राही और उनका परिवार, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री आवास के एक हितग्राही का, जो कि आज जन सुनवाई में कलेक्टर राजेश जैन से गुहार लगाने पहुंचा। शासन की महत्वपूर्ण योजना के तहत हितग्राहियों को मिलने जा रहे आवास में इस तरह की अड़चन कैसे आई, ये तो जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। देखना ये होगा कि जिला कलेक्टर इस मामले में संज्ञान लेकर कितनी जल्दी हितग्राहियों को उनकी दूसरी किस्त का पैसा दिलवा पाते हैं। मैं कुटी का मतलब मिली थी, वो 12 अक्टूबर को उसकी पहली किस्त आ चुकी थी, उसके बाद फाउंडेशन मकान को तोड़कर फाउंडेशन भरा दिया गया। शासन के अनुसार 15 दिन के अंदर अंदर किस्त आ जाना चाहिए थी, लेकिन वो आ नहीं पाई, अभी आज दिनांक तक कोई पैसे नहीं आए, 2-2.5 महीने के आसपास हो चुका है। ये ठंड में पूरे परिवार बाहर सो रहा है, जिससे कई कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। 10 लोग हैं हमारे वार्ड में, वार्ड नंबर 13, उसके लिए अभी तक कोई पैसा नहीं आया, पहली किस्त के बाद दूसरी किस्त नहीं आई। सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली के तत्वाधान में आयोजित किया गया लघु अवधि शिक्षक कार्यशाला, शिक्षकों को भारतीय संस्कृति के बारे में और ज्यादा बताने तथा भारतीय संस्कृति को किस तरह से जुड़ें, इस बारे में शिक्षा दी जा रही है। इस कार्यशाला में करीब 40 शिक्षक भाग ले रहे हैं। आयोजकों की माने तो इससे शिक्षा के स्तर में और सुधार आएगा तथा छात्र छात्राओं को भी संस्कृति के बारे में संपूर्ण ज्ञान हासिल होगा। इस कार्यशाला का आयोजन 28 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक चलेगा। अगर ना होती ये भारत माँ, जैसे माँ का नाम इसलिए दिया गया वंदे मातरम में कि माँ हमें पालती है, लेकिन वो ये धरती अगर नहीं देती फल फूल अनाज तो क्या वो पाल पाती? हमारी माँ की माँ, उसके पूर्वज, हमारे पूर्वज सब तो पाला किसने? तो उठ करके पहला प्रणाम इसको, दूसरा प्रणाम माँ, जिसकी वजह से हम इस दुनिया में हम कितने बड़े हो जाए, मेरे बच्चे कितने बड़े हो गई, लोग अंतिम वर्ष है, लेकिन मैं अपने मोबाइल में उसका छोटा फोटो रखता, वो मुझे उतनी बड़ी लगती है। कितनी खुलकर के उन्होंने सांप्रदायिक स्वार्थ की समरसता की बातें कही है, लेकिन वे बातें नहीं उतर पाई है। मैं तो कई बार बच्चों के बीच में जाता हूँ तो ये पूछता हूँ, अच्छा बताइए आप कि सबसे बड़ा देवता इस ईश्वर पर कौन है? तो कोई कहता है साहब ये है, कोई कहता है ये। हमने कहा अच्छा तीन देवताओं के नाम बताओ, बोले ब्रह्मा विष्णु महेश। हमने कहा ब्रह्मा को मैंने देखा नहीं, लेकिन माँ को देखा है, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, वो ब्रह्मा है। माँ ने बचपन से चम्मच से पिला पिलाकर खिला खिलाकर पाला है, वो विष्णु है। और वो बुराइयों का अंत करती है, समाप्त करती है, पूरी जिम्मेदारी लेती है कि हर अगला कदम, अगला जन्म मतलब हर अगला कदम श्रेष्ठ हो, अच्छा हो, वो शिव है। तो हमने कहा सबसे बड़ी देवता हुई माँ। कितने लोग हैं जो माँ के पैर छूते हैं सुबह सुबह? 1-2। ये हमारा एक शिक्षण में एक नवाचार के रूप में हमने एक CCRT जो है सांस्कृतिक समन्वय प्रशिक्षण के बारे में एक कार्यक्रम रखा है। इसका उद्देश्य हमारी विरासत जो है, हमारी जो संस्कृति है, उन चीज़ों को हम अपने विषय वस्तुओं से जोड़ के बच्चों को अपने आसपास की विश्व धरोहर संस्कृति के बारे में और अपनी परंपराओं के बारे में उनको समझा सकें, उन्हें बता सकें, जिससे वो अपनी जड़ों से जुड़े रहें और उसके साथ उनमें सहिष्णुता, राष्ट्रीयता और नैतिकता का भाव उत्पन्न हो, और जिससे वो भविष्य में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में
वो तैयार हो सके, इन चीज़ों के उद्देश्य को लेके प्रशिक्षण शिक्षकों का यहाँ रखा गया है। इसमें 40 प्रशिक्षणार्थी हमारे शिक्षक लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसमें हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी, प्राइमरी, मिडिल स्कूल के सभी शिक्षक हैं ये अपने, और हमारे यहाँ से जो ट्रेनर थे तो यहाँ अशोक किरार जी हैं जो DRP हैं, अब जिला रिसोर्स पर्सन हैं, जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। एक नवाचार के रूप में इसको लगा, जिससे कि हमारे शिक्षक लोग संस्कृति से जुड़ेंगे और अपने अध्यापन कार्य को ज़्यादा रुचिकर, रोचक और उत्साहित बनाएंगे। हंगामेदार रही नगरपालिका परिषद की बैठक। इस बैठक में 18 बिंदुओं पर प्रस्ताव पारित होने थे, जिनमें से एक प्रस्ताव गुना शहर का नाम बदलकर बालाजी नगर रखना था। वहीं महापुरुषों के नाम से रोडों का निर्माण रखने का भी प्रस्ताव सहमति से हो गया। वहीं एक नाम सामने आया महापुरुषों में भगवंती बाई का, तो सभी खड़े होकर पूछने लगे कि आखिर ये भगवंती बाई है कौन और उनका समाज में क्या योगदान रहा है। वहीं पार्षद खालिद बंटी काले कपड़े और काला झंडा लेकर परिषद की बैठक में पहुंचे। पार्षद का आरोप है कि नगरपालिका ने गुना में कई काम कराए हैं, लेकिन गुणवत्ता का कहीं भी ध्यान नहीं रखा गया। वहीं घोसीपुरा में निर्मित पुलिया की बात करते हुए कहा है कि इसका निर्माण भी बहुत घटिया तरीके से किया गया है। वहीं खालिद बंटी ने नगरपालिका अध्यक्ष पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। पूरे पार्षदों से एक निवेदन है कि नगर पालिका की जितनी भी समिति थी उनमें मैं किसी प्रकार से सदस्य नहीं हूँ। भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं निकलेगी। मेरे सारे कामों में विरोध है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, सारे काम में मेरा विरोध है। ना मैं सदस्य हूँ, ना कोई हस्ताक्षर है इनके काम में। भ्रष्टाचार के विरोध में जितना भ्रष्टाचार नगर पालिका में हुआ है कहीं मेरे शासन में कहीं नहीं है। एक तरफ नगर पालिका में काला दिवस मनाया है भाई। आज परिषद की बैठक थी, एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ उनके ही नगरपालिका के BJP के नगरपालिका के अध्यक्ष इतना गुना में भ्रष्टाचार कर रखा है। नल जल आवर्धन योजना में देखें, रोडें पूरी खुदी पड़ी हैं, अभी तक कोई काम नहीं हुआ, करोड़ों का घोटाला इसमें हो गया। इसके बाद में आप देख लो 160 रुपये नल के बिल कर दिया, लेकिन प्रदेश शासन के कोई आदेश नहीं बताया आज तक, न बताने जा रहे हैं। पहले के उसमें 80 रुपये बिल था, दो बार के पार्षद बनने के बाद में इन्होंने 160 रुपये नल का बिल करा। इसमें जितना भ्रष्टाचार हो रहा है कहीं नहीं हो रहा। आप देखो आवासीय कॉलोनी में देख लो खुद की ईंटें जा रही हैं, पुलियाँ देख लो कितनी घड़ियाँ बन रही हैं, पायगा मोहल्ले की रोड देख लो आप, दो अभी डली है 1.5 साल पहले, उसकी रोड की खुदाई देख लो कितनी बड़ी है। जो भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या, भ्रष्टाचार के विरोध में हमने जो काम किया। मेरा विरोध इसलिए है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा जी है, उनका काम करने का तरीका गलत है। पिछले 3 वर्षों से शहर में तानाशाही तरीके से काम कर रहा है, नियमों को तोड़ रहा है, ताक पर रख के काम कर रहा है। इसका सीधा उदाहरण है वार्ड क्रमांक 28 में जो पुल बनाया गया उसमें घोर भ्रष्टाचारी, जिसकी जाँच कलेक्टर ने कराई, जिसमें सैंपल फेल हुए, इससे हमारी भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो रही है। आज उनके द्वारा एक घृणित कृत्य किया जा रहा था, भगवंती बाई का स्टेचू लगाने का प्रस्ताव पास करने वाले थे, जिसका माननीय कांग्रेस पार्षद श्रीमती वंदना मांडरे जी ने बताया उनका स्टेचू लगा रहे थे, इससे हमारी पार्टी बहुत जोर से बदनाम होती, जिसका हमने विरोध दर्ज किया है। और आने वाले भविष्य में हम हमारे नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा जितने भी विकास कार्यों के रूप में जो आंतरिक तौर से भ्रष्टाचार करते हैं उनका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे, ताकत से करेंगे, हमारे वरिष्ठ स्तर पर पार्टी स्तर को भी बताएंगे कि इनके द्वारा भाजपा को बदनाम किया जा रहा है।
के नशे में धुत भाई ने भाई के सर पर मारकर की हत्या। बता दें कि कल खेजड़ा रेलवे ट्रैक पर एक लाश मिली थी, जिसको देखकर लगता था कि शायद व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ जाने से मारा गया, लेकिन आसपास में जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर यह लग रहा था कि इसकी पहले हत्या की गई, बाद में रेलवे ट्रैक पर लाकर छोड़ा गया है। इसी अंधकत की गुत्थी सुलझाते हुए सीएसपी श्रद्धा जोशी एवं कैंट थाना TRI ने मिलकर इस काम, वहीं भाई ने ही भाई को मारा है, यह बात सामने आई। पुलिस कप्तान निमेश अग्रवाल ने बताया कि शराब के नशे में दोनों भाइयों का विवाद हुआ था, जिसके चलते एक भाई ने अपने दूसरे भाई ब्रजवान के सर पर पत्थर मारकर हमला कर दिया, जिससे वह मौके पर ही खत्म हो गया। इसके बाद आरोपी ने मृतक को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। आरोपी पुलिस की हिरासत में है। परसों रात को ब्रजमान यादव, जो कि खेजरा गांव थाना कैंट के निवासी है, उसकी लाश हमें रेलवे ट्रैक पर मिली थी और ट्रेन से उसकी लाश कट चुकी थी। इस ब्लाइंड मर्डर को हमारे CSP और हमारे TI ने उनको गंभीरता से लेते हुए इसमें कल से इसमें जांच करी और ये पाया गया कि जो मृतक है उसका उसके भाई से दारू के नशे में विवाद हुआ और जिसके चलते आरोपी ने उसके सर पर पत्थर से मारा, उसके चलते उसकी मृत्यु हो गई और अपनी कृत्य को छुपाने के लिए उसने उस लाश को रेलवे ट्रैक पर डाल दिया, जिससे कि ट्रेन से वो लाश कट जाए और इस तरह लगे कि वो रेलवे दुर्घटना है। इसमें हमारे वैज्ञानिक अधिकारी मिस्टर RC अहिरवाल ने भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और तीनों लोगों की टीम ने इस मामले का खुलासा करने में अहम भूमिका निभाई। और भी आरोपी हैं सर इसके भाई साथ? नहीं, इसमें एक ही आरोपी है सर। घटना का कि ये हत्या जो की गई हो, ये रेलवे ट्रैक के पास में जो जगह है वहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया। जमीनी विवाद सर, ऐसा कुछ सामने आया? उनके बीच में पूर्व से कोई विवाद नहीं था, इसमें जो दारू के नशे में इनमें वाद विवाद हुआ, जिसके चलते ही घटना हुई। चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया कैसा था गुरु गोविंद सिंह का जीवन। प्रकाशोत्सव माह के रूप में मनाए जाने वाले इस माह में कल शाम हॉस्पिटल रोड पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया कि गुरु गोविंद सिंह का जीवन किस तरह से व्यतीत हुआ। प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहर के नागरिक पहुंचे। त्रिशताब्दी व जन शताब्दी समिति के द्वारा गौरवशाली अतीत और अपने पूर्वज और महापुरुषों के इतिहास के बारे में जाने। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब। मैं आपको छोटे से हमारी से लगभग 20-25 दिनों से अपना सब घर परिवार छोड़कर समाज को इतिहास की जानकारी देने के लिए विभिन्न स्थान स्थान पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह सभी कार्यकर्ता ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संक्षेप में मैं इतना बता दूं कि हम और संस्थानों में भी गए, यहाँ पर मैं बच्चों से पूछता था कि भाई आपने गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में क्या जानते हैं, तो एक वो संक्षिप्त उत्तर देते थे कि सिखों के 10वें गुरु थे। कुछ बच्चे बोलते थे सिखों के गुरु थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के गुरु नहीं थे, आप तो संपूर्ण भारतवर्ष के गुरु थे, राष्ट्र गुरु थे, राष्ट्रनायक थे। उनके बलिदान को हम कभी भी नहीं भूल सकते और संक्षिप्त में सिख शब्द संस्कृत के शिष्य शब्द का ही पर्यायवाची, तो ये गुरु शिष्य परंपरा है। सिख धर्म का उदय तो बैसाखी 1699 को शहर में चलाए जा रहे रक्तदान ग्रुपों के सदस्य आज कलेक्टर राजेश जैन से मिलने पहुंचे। बता दें कि आगामी 2 दिसंबर को मनाए जाने वाले रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में किए जाने वाले रक्तदान शिविर में पहुंचने का जिलाधीश राजेश जैन को निमंत्रण देने पहुंचे थे। वहीं एक सदस्य ने बताया कि 2 तारीख को एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन रेड क्रॉस भवन में जिला अस्पताल में किया जाएगा। इस दौरान एक सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें रक्तदाताओं का सम्मान किया जाएगा। मैं
पूर्ण मरीज है, जहाँ एक आदमी की भी बचती है, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है। सबसे बड़ी सर की हमें अंदर खुशी होती है, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती। आप ये अपने ये देखा था पहले, अगर सबसे बड़ी बात आंतरिक अपने को लगता है कि मैंने अच्छा काम कर दिया, बहुत अच्छा लगता है ये, ये सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। मतलब कोई एक अच्छा काम होता है तो सबको अच्छा लगता है, एट दम देश। दो तारीख को होने वाले रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में आज हम श्रीमान जिला न्यायाधीश को और जिला अधीक्षक महोदय को आमंत्रण पत्र देने आए थे, और सभी गुना के नागरिकों को और सभी रक्तदाताओं को हम इस माध्यम से सूचित करना चाहते हैं कि 2 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में गुना में रेड क्रॉस भवन में आकर अपना रक्तदान करें, जिससे किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो सके और उसकी जान बच सके। बस यही कहना चाहता हूँ। ढाई निवासी ग्रामीण पहुंचे जनसुनवाई में जिला कलेक्टर से गुहार लगाने। वहीं एक युवक का कहना है कि उसकी जमीन पर लक्ष्मण गुर्जर नाम का व्यक्ति कब्जा कर बैठा है, जिसकी शिकायत में कई बार पहले भी कर चुका हूं। वहीं ग्रामीण आरोप लगाया है कि लक्ष्मण गुर्जर पहले ही उसके पिता की हत्या कर चुका है, साथ ही उसके भाई का भी पैर तोड़ चुका है। इसके बाद भी पुलिस अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। साथ ही ग्रामीणों ने गुहार लगाई कि इस ठंड के मौसम में बच्चों को लेकर आखिर जाए तो जाए कहां। अब देखना ये होगा कि जिलाधीश इस मामले में हस्तक्षेप करके क्या फैसला सुनाते हैं। अच्छे समस्या लेकर आए साहब, हमें परेशान कर रहा है लक्ष्मण गुर्जर, जमीन बरबट छुड़ा रहा है। हमरू पे लोग हमारे पिताजी खत्म कर दा साहब, वहाँ पर मोड़ा पा कर दा, ये माँ मोड़ी में हलल के सेकंड कहाँ लेके जा साहब हम, और कोई घर में वही है नहीं, जो भैया है 1 करोड़ भैया है, बस घर में 2-3 भैया है, हम कोर्ट डाल दी सर, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है हमारी, इनका खून इरा कह रही और अब इनकी वे खुद ही मार के नहीं और खुद ही चले जाते हैं। डीजीएनए न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।